ध्यान में प्रवेश करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। एक प्रवाह, एक ज्योति, एक आनंद भीतर बह रहा है। मैं देह में हूं पर देह का नहीं हूं। ये नश्वर देह मिटने वाली है, जलने वाली है, विध्वंस होने वाली है, पुद्गलों से बनी है, जिसका स्वभाव ही गलना, सड़ना, विध्वंस होना है। आत्मा ज्योतिर्मय है, आनंदमयी है, ज्ञानमयी है। उस ज्योति के भीतर आ जाइए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। एक ज्योति भीतर बह रही है, इसको बहने दीजिए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक एक अंग से मन गुजारी। वो ज्योति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का पुंज तुम हो। तुमने अनुभव करना है, उसका एहसास करना। डूब जाए अपने भीतर, गहरे गहरे डूब जाए। कोई विचार, कोई संस्कार, कोई धारणा, कोई परंपरा, कोई गुरु बीच में ना आए। सत्य को पाने के लिए ये विचार, ये परंपरा, ये धारणा बाधक बनती है। हमने सत्य को जाना है, सत्य को पाना है, सत्य में उतरना है। धीरे धीरे सत्य की आपकी गहराई बढ़ेगी। निष्ठा भाव से आप गहरे उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे। शांत मौन गहरे प्रवेश अपने भीतर भीतर भीतर।
अपने भीतर पूर्ण जागरूकता बनी रहे। ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ योर रेस्पिरेशन, श्वास आ रहा है जा रहा है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। तुम मात्र दृष्टा, देखने वाले और जानने वाले, कुछ करने वाले नहीं। क्षण 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 सजग अपने कर्म सुधार, क्षण 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 सजग रे अपने कर्म सुधार, सुख से जीने की कला अपनी ओर निहार, सुख से जीने की कला अपनी धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, मैं अपने स्वभाव में स्थित हो रहा हूँ। अपने स्वभाव में आना धर्म की शुरुआत है।
सत्य की शुरुआत। चित हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए। चित हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कर। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हम लोग सभी अपने जीवन में योगा वगैरह सभी करते हैं, लेकिन वो बाह्य क्रिया होती है और शरीर के लिए क्रिया होती है। लेकिन आज गुरुदेव ने बताया कि आत्मा के लक्ष्य में रख के जो क्रिया कही जाए की जाए वही सही क्रिया होती है, और वो आज हमें सीखने को मिला है। तो हम यह जरूर से अपनाएंगे अपने जीवन में, और आत्मा को अगर जो आनंद में रखा तो सच में अपने जीवन में ही आनंद हो सकता है। और कम से कम हम अगर जो आनंद में रहेंगे तो हमारी वजह से बाकी के वो लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं वो भी आनंद में रहेंगे, वो आज हमें सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी वजह से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। गुरु जी ऐसी दया करो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तव देवावितंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में
जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा।